इसमें हमारे अय्यूब नाना के घर के पास की ड्रेनेज लाइन बहुत मसला चल रहा था उसका, और अर्जेंट करवाने पर मैं तो हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर है अच्छू शाउस जो एक नौजवान है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। आप जानते हैं कि आरएफ कॉलोनी वार्ड शहर में एक अलग शनाख्त रखता है और वहाँ पर जो काम हुआ है, खैर करानवानी जात तो अल्लाह की जात है, जो भी काम करता है अल्लाह ताला किसी बंदे के थ्रू कराता है। मुझसे कुछ काम हुए हैं और ये काम जो बहुत अर्जेंट था, हमारे इमरान साहब जो मेरे साथी इमरान खान, उनकी भी बहुत कोशिश रही है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम है तो 4 दिन के अंदर पूरा हुआ और वहाँ पर जो मसला था लोगों का वो सॉल्व हो गया है। इसके लिए मैं अच्छू चाऊ साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में हमारे अय्यूब नाना और उनके भांजे, उनकी कोशिशें भी इसमें बहुत ज्यादा रही, मैं उन्हें भी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। बोलिए, आपकी अभी गुलपोशी थी या क्या हुआ, अरे कॉलोनी में क्या काम किया? तो अभी में कॉल आया था अर्जेंट काम का, डेजिमेंट शो कर, लोगों को तकलीफ थी, जब काम शुरू कर दो बोले तो इसका एस्टिमेट नहीं हुआ, मैं जमीन की जबान पे काम शुरू कर लिया, 3-4 दिन में खत्म हो गया इंशाल्लाह। जमीन भाई को भी अच्छा लगा, वार्ड के लोगों को भी अच्छा लगा, काम का मतलब सॉल्व हो गया, जो था नवी लाइन डाले, नवी ड्रेनेज लाइन डाले जो खत्म हो गया। जो काम हुआ वार्ड नंबर आरएफ कॉलोनी वार्ड नंबर 19 में, पूरे औरंगाबाद में काम नहीं हो रहा, काम बहुत अच्छा हुआ है तो देखते, मैंने यहाँ काम शुरू कर, थोड़ा प्रॉब्लम था, काम बहुत पूरे औरंगाबाद में किधर काम नहीं हो, जरा वार्ड नंबर 19 में काम हुआ ड्रेनेज लाइन का, कॉन्क्रीट का, अच्छा काम हुआ। अरे कॉलोनी अनुभव है, जमीन भी खुद सपोर्ट करते हैं कॉन्ट्रेक्टर, उनका कोई कमीशन नहीं रहता और कोई टक्केवारी नहीं रहती, काम अच्छा करो बोलते हो, जहाँ भी दिक्कत आती है हम लोगों को जमीन भी फोन मारे तो तुरंत आ जाते जमीन आते। अभी तक जो काम हुआ आरएफ कॉलोनी में उससे मुतमईन है आप? आरएफ कॉलोनी में रहते क्या कहेंगे? मुतमईन है, काम अच्छा हुआ, जो मसला था ड्रेनेज लाइन चौकअप की पूरी रोड पे पानी जा रहा था, वो पूरी लाइन उन्होंने नहीं कर दिए, जो चौच हमारे जो है उसके अलावा और क्या क्या काम हुआ? रोड का काम हुआ, जो पहले बारिश के दिनों में कीचड़ हो जाता था, पूरे कॉलोनी में कॉन्क्रीट रोड बने, बच्चों के खेलने के वास्ते गार्डन बना, पूरे 5 साल में कॉलोनी का नक्शा बदल दिया। औरंगाबाद के तमाम वार्डों में आरएफ कॉलोनी में सबसे ज्यादा काम हुआ ऐसा कहा जा रहा है। खासदार इम्तियाज जलील ने भी कुछ महीने पहले वहाँ पे सिटी रोड का इफ्तिताह किया था, साल पहले, उन्होंने भी कहा था कि बहुत सबसे ज्यादा काम ये वार्ड में हुआ। क्या क्या काम हुए ऐसे वहाँ पर? ऐसा देखा जाए तो साहब वहाँ पे 67 रोड सीधी बनी है, जॉगिंग ट्रैक बना है, नदी की खाम नदी की दीवार बनी है, और उसके अलावा गार्डन है बच्चों के लिए, प्लेग्राउंड बनाया है, जमीर भाई ने दवाखाना बनाया है, और इंशाल्लाह उनकी जद्दोजहद से अभी 2 करोड़ रुपए का वहाँ पे एक शादी खाना भी बना रहे हैं, जो आम लोगों के लिए फ्री रहेगा, वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके लिए पूरा फ्री रहने वाला है। वो जो ब्यूटिफिकेशन है रियल फाउंटेन का, उसका कब बना हो, क्या है उसका? उसको तकरीबन बनकर अभी 4 से 5 महीना हुआ है, जो एक वो तारीखी काम कहलाता है, एक मुस्लिम वार्ड में अभी तक के आप देख सकते हैं कि शहर है औरंगाबाद में जितने भी मुस्लिम अपने वार्ड है वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको, जो जमीर भाई ने किया है जो काम। अभी जो बॉडी है वो तो डिजॉल्व होकर 2 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक आरएफ कॉलोनी में वार्ड शेयर में जो काम हो रहे हैं इसका क्या खास बात है, क्या जमीर भाई कर रहे हैं इसकी बात? सबसे पहले तो अगर जमीर भाई का पहला काम अगर देखा जाए तो वार्ड में हिलाल कॉलोनी जो एक एरिया था जहाँ पानी ड्रेनेज रोड का जो मसला था सबसे बड़ा मसला जो था, तो जमीर भाई चुनकर आने के बाद में सबसे पहले पानी की लाइन डाले वहाँ पे, फिर उसके बाद में पानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, ड्रेनेज लाइन कर दिए, कॉन्क्रीट रोड कर दिए, स्ट्रीट लाइट लगवाए वहाँ पे, तकरीबन मैं ये बोल रहा हूँ कि जलाल कॉलोनी तक के हमारा पूरा काम चले गया, पहुंच गया तकरीबन, अभी और चालू है। पानी की सप्लाई को लेकर भी पहले SMS आ जाता है, वहाँ के लोगों का कहना था कि हमको बिफोर मैसेज आ जाता कि अब पानी आने वाला है, तो ये कैसा किया आपने? ये जमीर भाई के जेरे निगरानी में ये सब चीज होती है, जमीर भाई का जैसे फोन आता है कि सप्लाई कब है क्या है, तो सब उनके जैसा हम जो कार्यकर्ता है जमीर भाई के, ये हमको तुरंत एक्टिव होना पड़ता है इस चीजों के लिए, कि साहब का एक फोन आ गया कि ये चीजों का कब है क्या है, तो हम साहब को इतला दे देते, साहब मैसेज डाल देते उसका।